ये देखो पगली। काला धन रखने वालों के लिए बुरी खबर, सरकार ने 1000 और 500 के नोट रद्द कर देने का ऐलान कर दिया है। लौंडो बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सरकार जो है वो पुराने नोट लेके नए नोट दे रही है, जाओ बैंक की लाइन में लग जाओ। पैन कार्ड है घर पे रखो है, जाओ जाकर लेके आओ, जल्दी से जा और पैन कार्ड लेकर आ जा। मैं जा रहा हूँ, तू लाइन में रहियो, जाइयो मत कहीं पे। तिवारी जी, मैं आपको इतना ईमानदार और समझदार समझती थी, अरे आप तो लुच्चे निकले। नहीं, हमने कोई कालाबाजारी नहीं की है। तिवारी जी, घर में इतना कैश रखना ब्लैक मनी ही कहलाता है। अब जाइए चुपचाप और ये सब रकम जाकर बैंक में जमा कीजिए। हाँ लड्डू के भैया, हम सबका बात चुपचाप सुन लीजिए, जाके बैंक में जमा कर दीजिए, नहीं तो बहुत मुसीबत हो जाएगा। भाभी जी, अगर 50 लाख रुपए हम बैंक में जमा कराएंगे तो सारा का सारा तो सरकार ले जाएगी, हमारे हाथ तो चवन्नी भी नहीं लगेगी। चवन्नी बंद हो चुकी है तिवारी जी। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर 50 लाख रुपए जमा करवाएंगे तो हमारे यहाँ तो 1500 ही लगेंगे ना भाभी जी। फिर भी आप फायदे में रहेंगे। सर्दियाँ आ रही हैं, नोटों को जला के आप आग तापिएगा, इससे ज्यादा कुछ काम नहीं आएंगे नोट आपके। अच्छा भाभी जी, नसीहत और भोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो पगली, चलो। बाय बाय। अभी जी बाय। यार ये बड़ा ढीठ आदमी है, हो सकता है कि अपना माइंड चेंज कर लें। यार ये आदमी, मुझे ये बात हजम ही नहीं हो रही है कि इसने कच्चे बनियान बेचकर 50 लाख रुपए जमा कर लिए। 50 लाख ऑन्स। मेरा तवा मांझ के आता। अमल खान, सारे टीका काम मर गया था तू ना। पे मैं पूरी रात ना लाइन में खड़ो रहो, 4 बार मुझे को नंबर आयो और 4 बार मुझे वापस लाइन में लगना पड़ो। इतने फोन करे तो है, तूने फोन क्यों बंद कर दो? अरे यार मेरा फोन जो है ना हैंग हो गया तो। यार हैंग हो गया तो या तू सो रहा आराम से। ओके मत पूरी रात में जागते रहो इस पैन कार्ड के चक्कर में। खूब ढूंढो, खूब ढूंढो। मैंने अपने पर्स चेक करो ना, ससुर पर्स में पड़ा हुआ तो। यार एक बात बता, तो तूने जाते वक्त अपना पर्स क्यों ना चेक करो? तेरे में इतनी बेकलना है सारे करवे। अबे इतनी अक्कल होती तो मैं तो घूमते फिरतो का बात कर रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए अब एक एक करके लाइन से आते जाइए। सर ये मेरा पैन कार्ड आपने मंगाया तो ना सर? इस पैन कार्ड में फोटो किसका है, तुम्हारा? मेरा ही है सर। अबे लेकिन तुम्हारी शक्ल तो इस फोटो से बिल्कुल नहीं मिल रही है। इसमें बिल्कुल चूसा हुआ आम लग रहा है और सामने से बिल्कुल भैंसा दिख रहे हो। सर वो कहा है कि जब ये फोटो खिंचवाई आती ना तब तो मेरे को बहुत तगड़ा जो है ना वो जुलाब लगाया तो। वो जुलाब पूरा 1 महीना लगाया तो। उस दौरान मैं चूस गाओ और फोटो खिंचवाओ। ये चूसा हुआ कार्ड नहीं चलेगा, जाओ दूसरा पैन कार्ड लेके आओ। सर दूसरा पैन कार्ड इतनी जल्दी कहाँ मिलेगा? ठीक है रुक जा। अब भाई साहब अब मेरे पास भी ना अपना पैन कार्ड है को, मैं वो लेकर आता हूँ। ठीक है मैं पैन कार्ड लेकर आ रहा हूँ, तू जगह मत ना छोड़ियो, जल्दी आइयो। हाँ बस यूं गैर यूं आयो। अरे सर आ रहा है। हाँ नेक्स्ट। अबे तू खड़ा होके क्या मुंह दिख रहा है, चल जा पीछे लाइन में लग। चल उठा के चला जाता है, चल। हाँ चलिए नेक्स्ट। मारे क्या क्यों बे विभूति है, क्या हो रहा है? क्या होगा, सुबह सुबह दूध लेके आ रहा हूँ और क्या होगा। और तू बड़े सूट वूट में निकला है, पुलिस लगी क्या पीछे या घर में रेड पड़ गई है? अबे मैं वो भला हूँ जिसके घर पर कभी रेड पड़ ही नहीं सकती है। हाँ। अबे ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती लेकिन निशान छोड़ देती है। अच्छा सुनना, मेरे कॉन्टेक्ट में एक ऐसी पार्टी आई है जो 1000 और 500 के पुराने नोटों की जगह मुझे न्यू नोट दे रही है। हाँ। क्या बक रहा है बे, मैं बिल्कुल ठीक बक रहा हूँ बे। मैंने तो अपना सारा पैसा ठिकाने लगा दिया है। अगर तेरे पास कोई ऐसी पार्टी है तो उसे पकड़ कर ला मेरे पास। अच्छा, तो मेरा क्या फायदा होगा उसमें? अबे ओ बेटा, तेरा फायदा ही फायदा है। अगर तू ऐसी पार्टी पकड़कर मेरे पास ले आता है तो तू उससे अपना कमीशन ले लेना और तुझसे मैं अपना कमीशन ले लूंगा। बेटा, दोनों नोटों की नदी में गोते लगाएंगे, गोते। क्या सोच रहा है बे? मैं तेरे को एक पार्टी देता हूँ। चल ठीक है, तू उससे डील कर लेना और कैश मुझे भिजवा देना। चल यार, चलता हूँ। ऐश कर बेटा, ऐश। हेलो भाभी जी। हेलो विभूति जी, कैसन बा? बस भाभी जी, जी रहे हैं आपके हसीन साए में। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी कोई टेंशन मत लीजिएगा, कोई टेंशन मत लीजिएगा। आपके लड्डू के भैया के काले धन को गोरा बनाने का मैंने पूरा इंतजाम कर लिया। भैया कैसे? भाभी जी, एक बंदा है जो पुराने नोट लेकर उसके एक्सचेंज में नए नोट दे रहा है। ये तो बहुत ही अच्छा बात है, बहुत ही अच्छा। जी जी। हमको लड्डू के भैया को बताना चाहिए। रुकिए, सुनिए लड्डू के भैया, लड्डू के भैया। अगर लड्डू के भैया पे नहीं आ रहे तो भैया बुलाइए। हाँ। काहे चिल्ला रही हो पगली? हाँ, उन्हें विभूति जी आपके लिए एक लोफर लाए हैं। भाभी, इट्स नॉट लोफर, लोफर तो ये है। इट्स ऑफ। सही पकड़े हैं। आपको पता है विभूति जी बोल रहे हैं कि वो आपके सारे काले धन को गोरा बना देंगे। काहे ढिंडोरा पीट रही हो? पूरे कानपुर में, पूरे मोहल्ले को बता दोगी क्या? हमको काहे चिल्ला रहे हैं? हम तो आपको मदद कर रहे हैं। ऐसे बिहेव करते हैं बीवी से? दिस इज द वे यू बिहेव विद योर वाइफ? यू आर सच अ डिसगस्टिंग मैन। आप हमारी भोली भाली बीबी को काय बरगला रहे हैं? मैं बरगला नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा था, बता रहा था उनको कि मेरे पास एक बंदा है जो पुराने नोट लेता है, उसके एक्सचेंज में नए नोट देता है। ठीक ठीक है, उसका नंबर दीजिए, हम उससे बात करते हैं। लाइए। ओहो, हमारी शिकारपुर से नहीं है। लाइए दीजिए ताकि आप उनका नंबर ले लें और हम घंटी बजाएं बीच में। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप बीच में कमीशन खा रहे हैं, मतलब दल्ले हैं। जैसे आपकी घटिया शक्ल है वैसे आपकी घटिया जबान है। आपके लिए होगा वो दलाल, लेकिन आई कॉल माई सेल्फ एन एजेंट। देखिए, अगर आपको नोट एक्सचेंज करने हैं तो बताइए, वरना यू गो योर वे, आई गो माइन। ठीक है, हम एक्सचेंज कराने के लिए तैयार हैं, हमें एक्सचेंज कराना है। हाँ, तो 50 लाख पे लगेंगे आपके 15 लाख लगेंगे कमीशन के। तो बहुत ज्यादा थे, भागिया थे। 15 लाख लेंगे आप? तो फिर आप अपने नोटों की बनाइए बत्ती और हम तैयार हैं। See you later. लग गया ठिकाने। गोरी मैम घर में है का? ये क्या बेवकूफाना सवाल है? हाँ? और आप बिना इजाजत इस तरह से मेरे घर में चले आ रहे हैं, आपको किसी की प्राइवेसी का ख्याल है या नहीं? आप ही को तो ख्याल है गोरी मैम। हमारा मतलब है कि हमें माफ कर दो गोरी मैम। वो कहा है कि आप नृत्य में इतनी लीन थी कि हमें डिस्टर्ब करना ठीक ना लगो। हमें लगवा आपको डिस्टर्ब कर देंगे, कहूँ आप हमसे नाराज ना हो जाओ। ठीक है, छोड़िए, अब आए गए हैं तो बैठिए। बढ़िया डांस करती हैं आप। अरे दादा, बताइए अब कैसे आना हुआ आपका? बताएंगे गोरी मैम। पहले लेकिन आप ठंडो ठंडो फ्रिज को पानी पी लो, थोड़ी ठंडी हो जाओ। वो कहा है कि आप बहुत गर्म हो। What? ना हमारा मतलब है कि गोरी मैम आप गुस्सा में हो ना। नहीं नहीं ठीक है, मुझे कोई गुस्सा नहीं है। बताइए आपका कैसे आना हुआ? कैसे कहीं यार, बड़ा अजीब सो लग रहा हुआ ससुर से कैसे बोले। क्या ये मुंह में क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलिए ना। हाउ हाउ गोरी मैम, हम जो कह रहे थे कि आपको तो पता ही है हमारे 9 उठैया बच्चा और एक प्रेग्नेंट बीवी हैगी। मुझे क्या, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन गोरी मैम जो नहीं पता दुनिया को कि हम उनको पेट कैसे पालते हैं। न्योछावर लेके ना ना गोरी मैम, अब ऐसा बिल्कुल ना है। हमने निछावर लेना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। अच्छा, वैसे तो मुझे आपकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन चलिए थोड़ी देर के लिए अगर मैं मान भी लूं कि ये सच है तो आगे तो बोलिए। गोरी मैम असल में हम जो कहना चाह रहे हैं कि देखो आपको तो पता है कि सरकार ने 1000-1000 रुपया के वो 500 रुपया के नोट बंद कर दे, मतलब रद्द कर दे हैं। तो बावजह से हमारी प्रेग्नेंट बीवी और 9 उठैया बच्चन की भूखे मरने की नौबत आ गई है। ओ हाँ, मैं मानती हूँ कि थोड़ी परेशानी तो हो रही है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। अपू सिंह जी आप बताइए कि मैं आपकी प्रेग्नेंट बीवी और 9 उठैये बच्चों की हेल्प कैसे कर सकती हूँ? आप कहें तो मेरे पास 2000 रुपये हैं, आपको 500 रुपये दे देती हूँ। गोरी मैम कितना बड़ो दिल है आपको। अरे नहीं नहीं अपू सिंह जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुसीबत के वक्त में इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा। क्या बात है, जैसी सूरत वैसी सीरत। कितने अच्छे ख्याल हैं आपके। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं, मैं ला रही हूँ पैसे। अरे 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 ठहर जाओ गोरी मैम, ठहर जाओ। हम दूसरी बात कहना चाह रहे हैं। असल में हमें आपकी दूसरी टाइप की हेल्प चाहिए। दूसरी टाइप की हेल्प मतलब? गोरी मैम हमारे पास 1000-1000 के और 500 के कछु नोट पड़े हुए हैं। ओ ये बात है। अच्छा तो ठीक है ना, बताइए कितने हैं। बस गोरी मैम कछु एक हैं बस। हाँ तो ठीक है, थोड़े बहुत होंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, शर्मा क्यों रहे हैं, बताइए। अरे दादा गोरी में 50 लाख हैंगे। ना ना पर आपको पूरे 50 लाख रुपये नहीं रखने, सिर्फ आप 10 लाख रुपये रख लो। What? मैं क्या करूंगी 10 लाख रुपए का? ना ना आपको कुछ नहीं करने, बस आप इतना करियो कि अपने अकाउंट में उन्हें डाल दियो और जब टाइम मिले आपको, जब भी टाइम मिले तो नए नोट निकाल के हमें दे दो। बस इतनी सी हेल्प चाहिए आपकी बस। चलिए गेट अप, उठिए 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 और यहाँ से दफा हो जाइए। अपनी 9 उठैये बच्चे और प्रेग्नेंट बीवी का हवाला देकर आप मुझसे हवाला कराना चाहते हैं? ना ना गोरी में मैसो बिल्कुल ना। क्या ऐसा बिल्कुल नहीं है? घर में आपने 50 लाख रुपए ब्लैक मनी रखा हुआ है, आपको शर्म आनी चाहिए। देखो चेहरे पे एक शिकन नहीं है। अभी मैं कमिश्नर साहब को फोन लगाकर बताती हूँ कि आपके पास कितना पैसा है। ना 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 अगर ठहर जाओ गोरी मैम, ठहर जाओ कमिश्नर साहब को फोन ना लगाओ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बड़े साहब को फोन ना लगाऊं तो ये सारा का सारा ब्लैक मनी जाकर बैंक में सरेंडर कर दीजिए। हाँ हाँ गोरी मैम, हम आपसे बात कर रहे हैं, हम सारा पैसा जमा कर देंगे ठीक, लेकिन आप कमिश्नर का फोन ना करियो। हम जा रहे। 1 मिनट उठाइए, उठा के लेके जाइए। अरे जो तो रह गई। अरे दादा हम जा रहे दादा। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। ले लो भैया ले लो, 1000 का नोट, 100 रुपया में, 500 का नोट, 50 रुपया में। सेल लगा है, लूटो बीनो छाटो। आइए दरोगा जी, दे दें आपको भी नोट। 100 रुपया में 1000 का है और 500 का 50 रुपया सेल लगा हुआ है। अरे दादा कारे जो का टकसाल खोल के बैठो है। नोट बेच रहे हैं, 1000 का नोट 100 रुपया में और 500 का नोट 50 रुपया में। बताओ कितना दे दें हम आपको? तू सर हमें नोट बेचेगा, तू हमें नोट बेचेगा सारे। सारे कहीं और लगा, सारे नहीं दुनिया से उठा देंगे नोट सारे। क्या हुआ दरोगा जी, काहे गरीब आदमी की सुताई कर रहे हैं? रिया तिवारी भैया सारो सब्जी छोड़ के 500-500 की 1000 की गड्डी बेच रहा है। तो बेचने दीजिए ना, आपके गुर्दे का छिल रहे हैं। हमारी का गुर्दा छिल रहे यार, हमारी तो पूरी किस्मत छिल गई है। किसने छील दी आपकी किस्मत? अरे यार सरकार ने छील दी, और कौन ने छील दी? ओह अरे हम तो भूल ही गए थे, आप तो बहुत बड़े नुछावर खोर हैं। आपके पास तो बहुत ज्यादा काला धन होगा। नहीं वैसे कितनी नुछावर लिए, मतलब कितना काला धन रखा है आपके पास? 50 लाख। 50 लाख? अब तुम तो सर जख्मों पर नमक ना छिड़को, बहुत उंगरिया कर रहे हो तुम बहुत देर से। देखिए दरोगा जी, अगर हम आपके जख्मों पर रफू कर दें तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? का मतलब क्या कह रहे? मतलब क्या है कि हमारे कुछ कॉन्टैक्ट्स है जिसके जरिए आपके जितने पुराने नोट है ना, वो नए नोटों में एक्सचेंज किए जा सकते हैं। तिवारी यार तुम कसम से ऐसे हो जाए ना तो मजा आ जाए। कसम तुम हमारे करवा दो, चेंज करवा दो। बिल्कुल, हमने भी अपने 50 लाख के नोट जो है नए में तब्दील करने के लिए दिए हैं। अरे यार तुम्हें देर काय कर रहा है यार, फटाफट हमारे भी बदलवा दो। कसम से कह रहे तुम आओ, जोन भी कमीशन हुए 1000 रुपया, 500, 2000 तक हम देंगे ना। ये बेकारी समझ रखा है क्या? 1000-500 की कमीशन, 50 लाख पे 15 लाख लेंगे। अब जी 15 लाख सौ ज्यादा नहीं है? तो फेंक दो गंगा जी में, उठाओ गंगा जी में फेंक। गंगा की क्या मतलब यार, इतने रुपये गंगा में फेंक दो? समझो ना, तो फिर कुछ समझने की कोशिश कीजिए ना। देखिए भागते भूत की लंगोटी मिल जाए वही काफी है। लोग तो 50 पे 25 ले रहे हैं, हम तो 50 पे 15 ही मांग रहे हैं ना दरोगा जी। ठीक है यार चलो, ठीक हम तक जा रहे हैं। रात को झाकर कटी में मिलते हैं। पप्पू सिंह जी नमस्ते, तिवारी भैया नमस्ते। नमस्कार। ठीक है बोलो। बहुत गलत कर रहे हैं आप दोनों, बहुत गलत कर रहे हैं। हाँ, इस देश की जनता के साथ आप बहुत बड़ा मजाक कर रहे हैं। इस देश की जनता के साथ आप बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। आप दोनों एक नंबर के कमीने हैं, एक नंबर के गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। आप लोगों को गंदे नाले में डूब के मर जाना चाहिए। आई डोंट लाइक इट। जो शख्स है ना शहद खाते होगा, छिपकली खाते है, चिपचिपा रहो, कोई देखो तो नहीं। चलो जाकर कटी पे मिले फिर, है चलिए। कहाँ मर गए यार, यो सारा काम पे। एक मिनट रुक जा चाची, कहाँ मर गया? तो तू 3 बार नंबर आके गाओ। यार कमाल कर रहे हो यार मैं पैन कार्ड ढूंढ रहा था, सारो मिली ना रहा था। यार ये पैन कार्ड भी है ना, बहुत पेन पे लगा हुआ है। निकाल पैन कार्ड, निकाल लाओ ना। हाँ मिल गो, जेले जालिम। देख सुन, इसमें जो थोबड़ो है तेरो वो मिला लियो ना फोटो में, ठीक तो है ना? मिल तो है। सारे कमाल कर रहे हो जे, देख सकल सेम टू सेम। हाँ ठीक है यार, हाँ नंबर आ गो यार, दे दे भाई साहब जे लियो। क्या ये पैन कार्ड है, आपने मंगवाया तो ना सर? अच्छा अच्छा ठीक है, और इसके साथ एड्रेस प्रूफ दिखाओ। भाई साहब अब एड्रेस प्रूफ में कहाँ लाए? ये आधार कार्ड है। हाँ है, पर आप एक बार में सारी चीजें क्यों नहीं बोल देते हो सर? अबे घोचू, तुम्हारे अंदर भी इतनी अकल तो होनी चाहिए ना। कमाल कर रहे तुम, अब इतनी अकल होती तो कल से लाइन में लगे होते। छोड़ ना इसको यार, छोड़ो बैठो। तू ऐसा कर, तू है ना तू यहीं पर लाइन में खड़े रहे, मैं आधार कार्ड लेकर आता हूँ। यहीं रहियो और जल्दी जाकर आइयो, देर मत लगाइयो। मैं लाइन नंबर घेर कर रखूंगा। नेक्स्ट। तिवारी जी ने अपना काला धन तो दे दिया, ये किसका काला धन लेके आ रहे हैं? विभूति जी। तिवारी जी, हाँ, ये काला धन किसका है? अरे यार आपको क्या मतलब है? You are dealing with me. आपको बताना पड़ेगा वरना मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा ये। हप्पू सिंह जी का है। यार धीरे क्या मुझे पता था कि उसका ही होगा काला धन। निछावर खा के बनाया उसने कमबख्त नहीं आराम के पैसे। कीड़े पड़ेंगे उसको। नहीं आपको कट तो मालूम है ना 50 पे 15? अरे यार पता है आप अपना कट मारिए और ब्लैक को व्हाइट करिए। ऑलराइट डन। भैया क्या कर रहे हैं आप दोनों ये हैं? जो भी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। पता है आपको देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं आप दोनों को ये गद्दारी नहीं करने दूंगा मैं। सक्सेना जी ये ज्ञान ना कहीं और जाके बांटिए प्लीज। डोंट ट्रबल अस। ये काला कारनामा नहीं करने दूंगा मैं आपको। अरे यार जाके अपना काम कीजिए ना और शौक से शौक लीजिए जाइए। शौक से शौक लूँ? हाँ बहुत अच्छा बोलते हैं भैया। भैया आपको एक बात बताऊँ मुझे सबसे बड़ा शौक मिल चुका क्योंकि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आप दोनों इतने बड़े गद्दार इतने बड़े कमीने निकलेंगे। आई डोंट